Written on the wall above the door of paradise in green and gold letters. Our Redeemer on the Day of Judgment is Muhammad Arabi. Peace be upon him. Ali is my Imam and I am Ali's slave. In the name of Ali, thousands of lives are ready to. Sacrifice. Translation of Hazrat Amir Khusro's couplet from Mathematical Mysteries of Alphabet, a book by Akhtar Mohit Shah Al Abidi. Part 2: Abuzu Billahi Minash Shaytwani Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. मेरी फिक्र की रोशनी का भाव मेरी फिक्र ने कहा कि जफर जामा के बारे में भी बयान कर मैं इलाज के सिलसिले में मिस्र गया क्योंकि तो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि मेरा प्रोफेशन इलाज करना इसलिए मुझे तमाम अरब वर्ल्ड इनवाइट करते थे तो इलाज के सिलसिले में गया वहाँ एक मिनिस्टर के लड़के का इलाज करना था जाम अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर मिलने के लिए आए और उन्होंने एक किताब मुझे दी कि ये किताब आपके जद की लिखी हुई है वो और ये अरबी की नायाब किताब है इसमें कदीम अरबी की किताब के बारे में मालूमात हैं और ख़ास तौर से इसमें आपके जद ने जो किताब लिखी जिसका आज दुनिया में मौजूद नहीं उसके बारे में तफसील है इसमें मैंने उससे कहा कि इसको पढ़ करके सुनाए उसने कहा यह क़दीम अरबी है हम सुना सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते खैर बहरहाल हाल इसमें से एक किताब जफर जामा के बारे में मालूम हासिल हुई ये किताब सरकार वल्म के इशारे पर तहरीर हुई थी भाई शारत अक्रम सल वम ये तहरीर में आई थी आपने हजरत सलाम को बतलाया था कि मुझे अमीन ने अरश मोल्ला पर दिखाया है इस किताब की मालूम इस तरह से है कि कुल अट्ठाईस हरूफ हैं अरबी के और ये इसकी अट्ठाईस जिल्दे हैं एक जिल में अट्ठाईस सफ़े सफात और एक सफ़े में सात सौ चौरासी खाने और एक खाने में चार हरूफ के कम्बिनेशन है यानी चार हरूफ़ का मजमू है अट्ठाईस हरूफ में से लिया गया मगर जो कम्बिनेशन एक दफा आ गया वो दोबारा नहीं आया गोया वो तरतीब दोबारा नहीं आई मजदूम ये है सात सौ चौरासी कम्बिनेशन एक सफ़े में इक्कीस हजार नौ सौ बावन एक जिल में फिर अट्ठाईस जिल्दें हैं जिसमें छः लाख चौदह हज़ार छः सौ छप्पन कम्बिनेशन है पूरी अट्ठाईस जिल्दों में और वो बग़ैर रिपीट के जो एक दफ़ा तरतीब आ गई <clears throat> वो दोबारा नहीं आई बाईरत नबी अक्रम सल वम सल्णाव ये तहरीर में आई और जब्राही अमीन ने अरश मौल्ला पर दिखलाई थी जफर जामा यमकिल यफ हमहेहवालसान वलमाज़ी वल हाल कैफ़त कैफल हादसा और हज़रत अली हज़रतम मस्जिद खूफ में खुतबा दे रहे थे आप फरमा रहे थे मुझसे पूछ लो जो कुछ पूछना है अना तरक समाफनी आलम बहा मिल तरक मैं आसमान के रास्ते ज़्यादा जानता हूँ जैसे तुम ज़मीन के रास्ते जानते हो लोगों ने कहाजूर अब तो पूछ लेंगे बाद में क्या होगा आपने फ़रमाया मुझे एक किताब तालीम फरमाई जो मैंने तहरीर की और वो मेरे पास है शारतल नबी तक तहरीर में आई है और उसमें ये है यमकिन यफमिलहवाली इंसान वल माजी वल हाल मुस्तबिल कैफत हादसा सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं और जब से दुनिया कायम हुई जब तक दुनिया का ख़त्म होगी उसमें जो भी चीज़ इस दुनिया में है उसका एक नाम है वो नाम इस किताब में तहरीर है और उसके हालात मौजूद हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो इसमें ना हो इसमें तमाम अल्लाह ताला के इस्म बमे इसम बक़ै बम इसम आज़म इसके अंदर हैं फिर मेरी फिक्र ने कहा कि जिसके तो दुनिया की हर चीज़ से अल्लाह ताली ने नवाजा है इसकी सवान हया तहरीर कर बस मेरी फ़िक्र ने कहा यह मिशन इम्पॉसिबल है ये क्यों क्योंकि तो इसके लिए शरीयत और हदीस का इल्म अरबी का स्कॉलर होना चाहिए फ़लासफर होना चाहिए और 1400 सौ बरस में लाखों किताबें तहरीर में आईं लेकिन सब एक दूसरे से मिलती जुलती इसलिए मेरी फिक्र ने कहा कि तू अपनी फिक्र की रोशनी के मुताबिक तहरीर कर और मैंने 1988 में कि शब को ये काम शुरू किया पहले मैंने अलामा शिबली नौमानी की सवान हयात सरसरी देखी थी मैंने सोचा था इस तज पर तहरीर करूँगा उसी रात को जब मैंने तहरीर शुरू की तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अल्लाह ताला ने तुझे लाहे महफूज बख्श दिए है बस इसी के सहारे तहरीर कर मैंने अपने दिल के क्रिस्टल बॉल को उठा लिया ये सोचे समझे बगैर कि इसको मंजिल तक ले जाने में मुश्किल हैं और ये कितना अजीम काम है अगर ये छोड़ दूँ तो क्रिस्टल बॉल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अगर एक दफ़ा टूट गया तो जुड़ नहीं सकता मैंने इरादा कर लिया कि मैं इसको मंजिल तक लेकर जाऊंगा और मंजिल के उनसे से जो अल्लाह ताला की वैदानियत का इजहार करती है यह मेरी मंजिल मेरे ईमान की मंजिल है और यही मेरी तरक्की और इर्ता है इर्ता क्या है मैं इसको मुख्तर तहरीर करूंगा इंसान ने गारों से निकलकर शहरों को आबाद किया ये इंसान की तरक्की है यानी इरत है मकतब से कॉलेज यूनिवर्सिटी चले गए फिर इल्म ने तरक्की की बैलगाड़ी घोड़ा सवारी से गधा गाड़ी ऊँख गाड़ी से साइकिल पर सवार हुआ फिर इल्म ने और तरक्की के मदारस तय किए और कार और हवाई जहाज़ रॉकेट बनाए और चाँद पर उतर गए और यही नहीं वो दिन दूर नहीं जब चांद पर आबादियाँ होंगी हॉलिडे के दिन दुनिया जाया करेगी जैसे चांद को देखते हैं फिर चांद से दुनिया को देखा करेंगे और चांद से मुश्तरी को दूरबीन लगाएंगे ये इंसान की तरक्की है और इसको इरत कहते हैं इसी तरह जर्रे को तरक्की से नवाजा है उर्ज बख्शा है पानी को रूज हुआ भाप बनकर आसमान को चला और बारिश बनकर सारी दुनिया को सैराब किया फिर अल्लाह ताला ने इसको इसके एवज आब दमदम बना दिया फिर पहाड़ को रूज बख्शा को हेतूर बना दिया फिर ज़मीन अपने अपना सीना चीर कर सब्ज़ा उगाया फिर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर खाने खुदा बनाया फिर पत्थर को कोरूज हुआ बख्शा तो हजरत असुद बनाया फिर जानवरों ने खिदमत की गधे की खिदमत से खरे बना दिया फिर घोड़े ने खिदमत की तो बुराख बनाया फिर कुत्ते की खिदमत के बाद अब कैफ का कुत्ता बना दिया फिर परिंदों ने खिदमत की खुद को हज़रत सुलेमान का कासिद बना दिया बस इसी को तरक्की और इर्ता कहते हैं अगर इसकी तशरी की जाए तो एक किताब बन जाए फिर पत्थर की इर्ता हीरे जवालात में है धात की इर्ता चाँद और प्लाटीनम में है गर्जी है कि हर चीज़ अपनी तरक्की पर गामजन है मेरी तहरीर मेरी सोच पर मुबनी नहीं मेरी फिक्र की रोशनी का बहाव है तो मैं हर चीज़ की तरक्की और उरूज के बारे में तहरीर कर रहा हूँ हर शे को अल्लाह उरूज तरक्की और उरूज से नवाजा है इसी तरह एक लाख चौबीस हज़ार कमो बेश अम्बिया इस दुनिया में तशीफ लाए और ये नबूवत की इर्त है कि हजूर महमद्ल व मुशतबा शहन शाह कौन अलैहि वसल्लम तशीफ लाए और रहमत आलमीन बनकर तशीफ लाए फिर शब माज पर तशीफ ले गए ये ले जाना ये पैम्बरी की तकाररूज है बस इसी तरह मेरा उरूज मेरी महराज है जो मैं हजूर नबी अक्रम सल्लम तक पहुँच गया और मुझे अल्लाह ताला ने मेरी सोच को सवान हयात तहरीर करने की सदादत बख्शी मैं सवान हयात को अपनी फिक्र की रोशनी के बहाव बा, के मुताबिक तहरीर करूँगा बस यही मेरी मेरा आज है मैं इस क्रिस्टल बॉल को जिसमें नबी अक्रम सल्ह वम की सवान हयात को मंजिल तक लेकर जाऊँगा मेरा सफ़र मेरा सफ़र मक् की वादी से शुरू होगा हजरत इब्राहिम की शान मुबारक से बस यही मेरी फिक्र की आवाज़ है मैं इसमें जबान मैं इसमें ज़बान की फसात व बलागत नहीं मेरा तीन हिस्सा ज़िंदगी इंग्लैंड में की सरजमीन पर गुजरी इसको ज़बान के क़ानून में न परखे अगर कोई ग़लती हो तो दरगुजर करे इससे पहले कुछ और बयान करूँ पैगम्बरी की सिफ़ात तहरीर कर दूँ वापिस वाहिद शात वाहिद में मैंने तहरीर की लेकिन मेरी रहनमाई करने वाले कहा फरमा रहे थे कि लोग कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप इस में दोबारा फिर बयान करो मेरी फिक्र की रोशनी का बहाव जैसे जैसे रोशनी आ रही है मैं बयान कर रहा हूँ और साफ पैगम्बरी पैगम्बरी बहुत ज़रूरी है ताकि भोले भाले मुसलमानों को लोग गुमराह ना कर सकें ना हर आदमी पैगंबर हो सकता ना इमाम मैंने हज़रत इब्राहीम के के लिए साफ तहरीर कर दिया कि आप दुआ कर रहे थे खुलामंदा मुझे इमाम बना उन्होंने कहा बनाया मेरी औलाद में से भी बना इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से है ये अवसाफ पैगम्बरी से कबल एक वाक़ा तहरीर कर रहा हूँ इस वाक़े को जब मैंने अपने दोस्तों को सुनाया कहने लगे ये कहानी किस्सा है ये वाक़ मैंने अपनी किताब शाहत में भी तहरीर किया है अब फिर बयान कर रहा हूँ ये वाक़ रूहानी है सच पूछो इस बात को साफ बयान कर दूँ ताकि पढ़ने वालों को ग़लत फहमी ना हो क्योंकि इस किताब में ग़लत फह बयानी की दूसरों को गुमराह करने की गुंजाइश नहीं सबसे पहले वो वाक़ तहरीर कर दूँ मैं इंग्लैंड से जाने से पहले आर्जी तौर पर एक मास्टर साहब के हाथ ठहरा था उनका नाम अहमदुल्ला था मैं मन सेकेंडरी स्कूल में हेड मास्टर थे मैं शाम को घर जा रहा था अपने दोस्त के साथ रास्ते में शाम शामियाना लगा था और तकरीर हो रही थी मैंने अपने दोस्त से पूछा ये कौन तकरीर कर रहा है उसने कहा कि इन्हें हाफिज़ की फैज फैन कहते हैं आप फरमा रहे थे अगर पंजेतन पाक का नूर ना होता तो इस कायनात में कुछ ना होता उस वक्त मैं इस बात को समझने के काबिल ना था मेरे दिल में ख्याल आया ईसाइयों ने पैगंबर को खुदा का बेटा बना लिया अब कोई इससे ऊंची बात ना रही तो मुसलमान कहने लगे कि पंजेतन पाक का नूर ना होता तो कायनात में कुछ भी ना होता यह बात रूहानियत में चल पड़ी और चलती रही मैं इंग्लैंड में था फिर जवाब आया ख्वाब में देखा कि पाँच हजार साल पहले का जमाना है एक लड़का जवान गले में तीर कमान डाले हुए है और धोती बंधी हुई है नीचे घुटने तक और माथे पर पंजेतन पाक के नाम तहरीर है और आवाज आ रही है तू यकीन कर या न कर इन हस्तियों को उस वक्त भी दुनिया जानती थी जहाँ हिंदुस्तान जाकर देख ले ये निशानियाँ माथों पर बाकी हैं ये नूर रज़ल से था और अब तक रहेगा अब मेरा ईमान है मेरी हर चीज़ की इरतका यानी तरक्की के मदारज के बारे में तहरीर कर चुका हूँ इसलिए मेरी ज़िंदगी की इरतका हजरत वसल्लम की सवान हयात तहरीर करना है ये मेरी मोहब्बत मेरी तहरीर ये मेरे ईमान की मेराज है जैसा पहले बयान किया है मैं अपने बारे में तहरीर करूं लंदन में हिंदू सिख पूछने लगे मुसलमान भी कहते थे आप अपने बारे में बतलाएं कि आप किस फिरक़े से क्या है आपका तरीका आप ज़िक्र फिक्र करते हैं लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया मेरी फिक्र ने आवाज़ में कहा कह दे जिन गली कूचों में तुम घूम रहे हो मैं इन गली कूचों से निकल चुका हूँ मेरी मंजिल अल्लाह ताला की वैदानियत है जो नबी करीम ने तालीम दी है वही मेरा ईमान लाला मोहम्मद रसोल सल वम यही मेरा ईमान है महजूर पाक सल्हल की सवान हयात तहरीर की और तहरीर करने से पहले एक और वाक़ बयान करना चाहता हूँ जो मेरी फ़िक्र कह रही है वो तहरीर करूँ पढ़ने वाले कुछ भी कहें क्योंकि ये बात कहीं तहरीर में नहीं आई सिर्फ सीना बसीना हमारे आबा अजदाद से चली आ रही है इसमें हदीस और क़ुरान का सबूत नहीं तारीख़ के साथ कुरान करीम का मुआवज़ा भी बयान करूँगा मेरे भाई एक बार ये वाक़ सुनाने लगे और कहने लगे ये बात किसी किताब में नहीं है मैंने इसी तरह अपने ज़दत से सुना है मैंने इसको शक से सुना अपनी आदत के मुताबिक और कहा इस्लाम में कहानी किस्सों की गंजाइश नहीं मगर उन्होंने तहमुल से जवाब दिया सुनने में क्या नुकसान है खैर मैंने वाक़ सुना और बुला दिया मैं इलाज करने के सिलसिले में मरकश गया वहाँ नया साल मनाने के लिए मेरे मेज़बान फैज से कैसा बलंग ले गए वहाँ पर इनका रिश्तेदार मरीज़ था और कहा कि उसको इलाज भी कर देना मैंने एक कैसा बिलंका देखा नहीं था इसके घर पर इजतम था कई डॉक्टर थे मेरा तारुफ कराया मुख्तलिफ़ मौजूद पर बात चल रही थी टी वी पर एक गाने वाला आया सब ख़ामोशी से सुनने लगे मैंने पूछा कि ये बार बार एक शेर कह रहा है ये क्या है या मैं सयाम से हूँ मेरा मशूक बहुत ख़ूबसूरत है और मैंने अरब तरीक़े पर बोसा लिया या अल्लाह मेरा सयाम टूट गया या नहीं अब सब ने मेरी तरफ मुतवज होकर पूछा आप क्या कहते हो मैंने कहा मैं इंग्लैंड का बाशिंदा हूँ मेरी सोच भी इंग्लैंड ही की तरह होगी वो बोले आप फरमाएं मैंने कहा जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो तो जानवर से भी गया गुजरा है मोहब्बत का मुकदस जज्बा अल्लाह का काब्श देता है वो सुनकर हंस पड़े मगर एक डॉक्टर ने बिल्कुल इसी तरीके पर कहा कि ये वाकया आज तक के सीना बसीना चला आ रहा है हमारे आबाजाद से वो अशराफ था आप यकीन करें या ना करें जब उसने वाक़ सुनाया मैं हैरत से ताजुब में पड़ गया उसने पूछा क्या बात है मैंने कहा कि मैंने ये वाक़ अपने भाई से इसी तरह सुना है मेरा ईमान है कि अजल से दुनिया सरकार दो के बारे में जानती थी इसीलिए आपने फ़रमाया था खलक अल्लाह नूरी पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को खलक किया मेरा यकीन मुझे मंजिल तक लेकर जाएगा और वो वाकया ये है कि हज़रत यूसुफ़ मिस्र के बादशाह तख्त पर बैठे गए तो आप शहर के से अपनी फौज के हमरा गुज़र रहे थे आपने देखा महल के दरवाजे पर के सामने एक बुढ़िया खड़ी हुई है महल के सामने से फौज गुजर रही है जब हज़रत यूसुफ का घोड़ा नज़दीक आया बुढ़िया ने हाथ हिलाया आवाज लगाई खड़े हो जाओ हज़रत यूसुफ का हज़रत यूसुफ ने अपने घोड़े को रोका और घोड़े से नीचे उतर आए ये अल्लाह ताला के पैगंबर की शान है उड़िया ने पूछा क्या तू यूसुफ़ है आपने कहा हाँ मैं यूसुफ़ ही हूँ मगर तुझे कैसे मालूम तू तो आँखों से नाबीना है उड़िया ने कहा जब तेरा घोड़ा नज़दीक आ रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मैंने सोचा सिवाय यूसुफ के और कोई नहीं हो सकता हजरत यूसुफ ने पूछा तू जुलेखा है बुढ़िया ने कहा हाँ मैं जुलेखा हूँ बुढ़िया ने पूछा अब भी तू वैसा ही खूबसूरत है हजरत यूसुफ ने जवाब दिया जैसे पहले था अब भी मैं वैसा ही हूँ जुलेखा ने कहा तू दुनिया में बहुत खूबसूरत आया है हज़रत यूसुफ ने कहा कि इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत आने वाला है जूले ख़ान ने पूछा वो कौन होगा हजरत यूसुफ ने कहा इसका नाम मोहम्मद होगा सल जूल खान ने कहा हाँ नाम बहुत खूबसूरत है बस इकरार करना था कि चेहरे पर नूर आ गया आँखों में रोशनी आ गई अब ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती पढ़ने वाले ताजुब में ना पढ़ें अब मैं इन राजों को जानता हूँ ये राज पहले कभी तहरीर में नहीं आए मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ मैंने देखा यहूदी ईसाई एक जगह रहते हैं एक जबान बोलते हैं बहुत सौ की नस्लें भी मिलती हैं दोनों की शक्ल अलग अलग नजर आती है एक के चेहरे पर खूबसूरती मासूमियत नज़र आती है दूसरे के चेहरे पर बेनूरी टपकती है फिर आप हिंदुस्तान जाए आप हिंदुस्तान जाए एक जगह एक जबान बोलते हैं रंग भी एक है मगर एक के चेहरे पर नूर और दूसरे अलग ही नजर आएंगे मुसलमान अलग और हिंदू अलग सिर्फ मोहम्मद वसल्लम के इकरार कर लेने से यहां अमल का सवाल नहीं सिर्फ इकरार कर लेने से ही चेहरे पर नूर आ जाता है और शक्ल अलग नज़र आती है तो ये बाजुल खां की चल रही थी और असल इस वाक़े में दरअसल इस वाक़े में बड़ी मोहब्बत बड़ी रूहानियत है इसलिए मैंने तहरीर किया है कुरान की ये गलत बयानी नहीं कि उसके उसकी आँखों में नूर आ गया सुनो कुरान करीम अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कुरान करीम में हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरे बाप के मुंह पर डाल दो और वो बीना हो जाएंगे और वो बीना हो गए तो ये कोई ताजुब की बात नहीं ये तो कुरान मजीद भी फरमा रहा है बस मैंने फैसला किया कि जबान आम फहम होनी चाहिए ताकि हर आदमी समझ सके दरअसल मैं खुद कोई जबान वह दा नहीं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ बस मेरी उर्दू भी ऐसी ही है दरअसल ये सवान आयात नहीं बल्कि जब से दुनिया का वजूद हुआ आपके यानी हज़रत महम्मद सल्हल के बारे में जानती थी कोई आने वाला ऐसा है तमाम पैगम्बर जो इस दुनिया में आएंगे ये उनकी इरत है यानी इल्म अकल, फसाहत वलागत शुजात और हकीकत की जितनी ख़ूबियाँ इस दुनिया में इंसान लेकर आया वो सारी ख़ूबियों के मुजस्म थे अब इससे अंदाज़ा लगाएं ईसाइयों ने मोहब्बत की बुनियाद रखी अकीदे में इतनी पुख्तगी है कि खुदा का बेटा बना दिया और हमारी बख़ बदब्ती ये कि हम जितनी खामियां निकाल सकते हैं तलाश कर रहे हैं हम कहते हैं हमारे जैसे थे हमारे जैसों से तो दुनिया भरी हुई है और ये हदीसें जो लोगों ने तहरीर की एक इस्लाम से हज़ार इस्लाम बन गए Stay tuned for the next podcast.